उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 6 साल की बेटी शतरंज में नंबर 1 बन गई है। ये हैं अनुप्रिया यादव। महज 6 साल की उम्र में अनुप्रिया सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जून महीने की रैंकिंग जारी की है, जिसमें अनुप्रिया यादव ने पहला स्थान हासिल किया है। अनुप्रिया को ये रैंकिंग अंडर 7 बालिका वर्ग में मिला है। अनुप्रिया को 1307 अंक मिले हैं। सबसे पहले मम्मी ने सीखा था, तो मम्मी ने मेरे लिए इसलिए सीखा था क्योंकि मैं मम्मी को बहुत फॉलो करती थी, तो बेसिक्स मम्मी ने सीख लिए थे और दीदी से वो सीखा था। तो उसके बाद मैंने पापा से सीखा था, तो पापा से सीखते सीखते फिर मैंने आगे दीदी से सीखा और दीदी जो सिखाती थी वो मैंने कैच कर लिया। फिर जहाँ भी टूर्नामेंट्स होते थे सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट खेला, उसमें पोजीशन नहीं आती थी पर जब दीदी की पोजीशन आती थी डिस्ट्रिक्ट में और मैं जब जाती थी देखने के लिए तो फिर मुझको बड़ा रोना आता था कि मुझको क्यों नहीं खिलाया और दीदी को क्यों खिलाया, उसकी पोजीशन क्यों आई। तो उसके बाद जब मैं खेलना स्टार्ट की तो मेरी पोजीशन नहीं आई शुरू में, फिर जब आने लगी तो मैं बहुत खुश होती थी कि देखो दीदी मेरी पोजीशन आई है। और उसके बाद जितने टूर्नामेंट्स होते थे खेलते जाते थे। फिर अभी आप कहाँ से खेल के आई हैं और किस पोजीशन पे जीती हैं? अभी तो हम लोग नेपाल से खेल के आए हैं 5 दुलक्था इंटरनेशनल लिस्ट इंटरनेशनल था, तो उसके बाद उसी में अंडर 12 में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी और मेरी दीदी की फर्स्ट पोजीशन अंडर 16 में आई थी। बेटी की सफलता पर पिता का क्या कहना है सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बयां नहीं कर सकता हूँ अंदर अंदर, मतलब इतना फीलिंग हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि कभी कभी तो अकेले में ऐसा लगता है कि बैठ के रोऊं कि मैं ये सब मेरी बच्चियों ने मेरा इतना नाम रोशन कर दिया कि लोग इनके नाम से मुझे अब जानने लगे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ऐसी तरक्की करते रहे लोग, मेरा जितना भी सपोर्ट हो सकता है मतलब कर सकता हूँ। ये नहीं देखता हूँ कि हाँ दिन में रात में कभी भी जब ट्रेन मिलती है तब इनको लेके 2 बच्चियों को लेके हम कभी पूरे ईस्ट लगभग इंडिया में तो लगभग हर जगह घूमते रहते हैं, नेपाल हो गया, मतलब ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक डर भी बना रहता है, फिर भी अपनी कोशिश रहती है कि इनको जितने से अच्छे से टूर्नामेंट खिला सकते हैं खिला दें और जितना आगे बढ़ सकती हैं उतना बढ़ाएँ इनको। प्रेरणा सर स्टार्टिंग में तो हम लोग ऐसे सिर्फ एक तरह से जैसे बाकी सब के बच्चे गुड़िया गुड्डा गुड़ी किसी साथ में खेलते हैं, तो बड़ी वाली बच्ची थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा फंडिया रहती है साथ में रहती है, तो उसने हमको क्या गुड्डा गुड्डी से हम तो खेल नहीं सकते हैं, तो वो क्या कि हम कहे चलो सर बाकी बच्चे लूडो खेलते हैं, तो हम थोड़ा सा माइंड गेम वाला तो चेस ले आते हैं, उससे खेलना शुरू की। फिर धीरे धीरे वो उसको अच्छा लगने लगा, तो देखे कि उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट में मैच हो रहा था तो उसमें इसको ले जाकर सिलेक्शन कराए गए, पहली बार गए तो उसी में इसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में फिर इसने कभी पूछे मुड़ के नहीं देखा। बता दें कि अनुप्रिया की बड़ी बहन प्रिया यादव भी शतरंज खेलती है। प्रिया ने भी अपने नाम कई खिताब किए हैं। अपनी बड़ी बहन को देखकर ही अनुप्रिया ने शतरंज खेलना सीखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।